हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ मैं आज क्या बनाने वाले हैं। आज बनाने वाली हूँ मैं फ्रेंच फ्राइज, उसके साथ बनाने वाली हूँ गार्लिक चीज सॉस। फिर ठीक है। तो आज हम ये बनाने वाले पोटैटो फ्रेंच फ्राइज, साथ में बनने वाला है गार्लिक चीज सॉस। अच्छा, वो आज टमाटो केचप नहीं बोले अम्मी। देखो हर बार ना मैं खुद टमाटो केचप कोई भी चीज खाने के लिए प्रेफर करता हूँ। बाहर भी मैं जाता हूँ ना बर्गर पिज्जा खाने, तो ना फ्रेंच फ्राइज के साथ में ना 1000 आइलैंड या फिर व्हाइट मेयो मिलती ना, उसके साथ खाने मजा आती है। चलो अच्छा है, आज घर में वो नहीं तो कोई और सही। कौन सी? आज मैं बनाने वाली हूँ गार्लिक चीज सॉस। तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे कि आज अम्मी फ्रेंच फ्राइज और सॉस बनाने के लिए क्या क्या लेंगे। चलो तो सबसे पहले लेंगे हम आलू, दूध, कॉर्नफ्लावर, मैदे का आटा, मस्का, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च पाउडर, लहसुन, नमक, चीज। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 400 ग्राम आलू ले लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आलूओं को मैंने छील के पानी में रख दी 10-15 मिनट से। अब हम क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे। तो अब आड़े टेढ़े आलू से फ्रेंच फ्राइज नहीं बनते हैं, तो हमको इसके जो चारों तरफ का हिस्सा है उसको कट कर लेना है। इसको चौकन शेप में ला लेना है आलूओं को, और आलू को अच्छे से काट के निकालना चौकन शेप के लिए। थोड़ा सा ज्यादा निकल भी जाए तो वादा नहीं, ये जो आलू है हम ये वेस्ट नहीं करने वाले हैं, ये जाने वाले हमारी दूसरी सब्जी में, ठीक है ना। इसके लिए इसको एक शेप में कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो कैसे आड़े टेढ़े दिखेंगे ना हमारे फ्रेंच फ्राइज, तो अच्छे नहीं लगेंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। मैं कट कर लूंगी ते मोटे मोटे। हाँ, इसको इसी तरीके से करना पड़ेगा क्योंकि हम इसको पकाएंगे भी ना। ये कुछ इस तरीके से देख रहे हैं आप लोग, मूली बन गया। तो हाँ, मैं इसी तरीके से सारे आलू कट कर लूंगी। तो यहाँ पे मैंने सारे आलू कट कर ली हूँ, ठीक है ना। इसको हम डालेंगे पानी में, इसको 2 से 3 पानी से मैं पहले धो के लेके आती हूँ। और यहाँ पे हमने जो आलू का आड़ा टेढ़ा हिस्सा जो काट के निकाले है, इसको फेंकेंगे नहीं, इसको बॉईल करके इसकी भरते की सब्जी बना देंगे, है ना, आलू का भरता बना लेंगे, इसको वेस्ट नहीं करेंगे। तो मैं लेके आती हूँ इसको 2 से 3 पानी को धो के पहले। तो यहाँ पर मैंने इसको 3 पानी से धोई हूँ। अब क्या करेंगे, हम इसको डाल देंगे हमारे एकदम ठंडे पानी में। क्यों अम्मी? इसको हमको क्रिस्पी बनाना है ना थोड़ा, तो ये सब करना पड़ता है। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, जो भी इसका स्टार्च है वो निकल जाए। ठंडी लगेगी कितनी, बता? ठंडी चालू है। हाँ, इसको ठंडा करने के लिए डाल रही बेटा, इसको ठंड लगने के लिए ही डाल रही मैं। अब मैं इसको ढक दूंगी, इसको रख दूंगी आधे घंटे के लिए इस तरीके से, ठीक है। तो चलो आधा घंटा हो गया है हमारे आलू को रख के ठंडे पानी में। अब क्या करेंगे, हम इसको निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर फिर से डालूंगी मैं ठंडा पानी, एकदम ठंडा पानी है ये भी। और यहाँ पे हमने गैस पे हमारा पानी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, जो कि हो गया है बॉयल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे ये गर्म पानी के अंदर डायरेक्ट इसको छोड़ेंगे, ठंडे ठंडे में से निकालेंगे और डायरेक्ट डालेंगे हमारे गर्म पानी में। अच्छा, क्यों मैं? हाँ, ये क्रिस्पी होने का एक तरीका है, इसका स्टार्च निकालने का एक तरीका है, ठीक है। अब हमको इसमें ज्यादा नहीं पकाना है, इसीलिए हमने पहले से ही पानी बॉईल कर लिए है। अब हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच नमक। अब मैं इसको बॉईल होने दूंगी कम से कम 3 से 4 मिनट तक, यानी कि हल्का कच्चा रहना चाहिए। अब इसको पकने के बाद भी मैं निकालूंगी ना झटपट, तभी भी हम फटाफट इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे। मैं बताती हूँ आपको ठंडा पानी डालने के बाद में उसका जो पकने का प्रोसीजर है वो रुक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको निकाल लेंगे, गैस पहले बंद कर देंगे, इसको हम ये छन्नी में निकाल लेते हैं। तैयार हो गया फ्राई? नहीं नहीं, अभी तैयार कहाँ हुआ है ये, हम इसको इसमें पहले निकाल लेते हैं अच्छे से। अभी तो धुआं धुआं हो गया अभी, लेकिन हाँ, तो अभी 3-4 मिनट इसको पकाए है ना, तो धुआं होगा। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही इस पे अच्छे से बर्फ का ठंडा ठंडा पानी डालेंगे, ताकि इसका जो भी पकने का प्रोसीजर है ये फटाफट रुक जाए। क्या ठंडा गर्म ठंडा गर्म? अरे ये ओवर एकदम पक जाएगा ना, तो ये क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राइज नहीं बनेंगे, ये टूटने लग जाएंगे, गल जाएंगे, नरम हो जाएंगे,
इसके लिए ये ठंडा पानी इसमें डालना पड़ता है। यहाँ देखो मैंने बर्फ का एकदम पानी लेके आई हूँ, मेरे बॉटल में बर्फ है। अब क्या करेंगे हम इसको निथार लेंगे इस तरीके से और जल्दी जल्दी डालेंगे हमारे ये कपड़े पे। मुंह धोने वाले टॉवल से? हाँ, मुंह धोने वाला नहीं है ये, मुंह पोछने वाला नहीं, किचन का है ये कपड़ा। कुछ भी बोलता है। इसको हल्के हाथ से फैला लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से फैला दिए है। अभी हम यहाँ पे ये पेपर से इसको दबा दबा के थोड़ा सा सोक कर लेंगे, जो इसका पानी है वो निकल जाए। आप कॉटन के कपड़े से भी कर सकते हैं, ठीक है? तो मतलब इसका पानी भी सुखाना है? हाँ, इसमें का जो भी पानी है वो निकल जाए, नीचे पानी जो कपड़े को लग जाए, थोड़ा टिश्यू को लग जाए, पानी इसका हट जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने टिश्यू से अच्छा दबा दबा के पानी निकाल ली हूँ। ये इतना पक चुका है मैं बता दूँ आपको, है ना, 2-3 मिनट में ही इतना पक गया है। अभी ज़्यादा पकाते हम ठंडा पानी नहीं डालते तो ये ओवर कुक हो जाता था। अब क्या करेंगे हम ये इसमें डाल देंगे। यहाँ पर मैं डब्बे में डाल रही हूँ, मुझे थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लावर मिलाना है। आप चाहे तो प्लास्टिक की थैली वगैरह में भी कर सकते हैं ये प्रोसीजर जो मैं कर रही हूँ, ठीक है ना। अब हम डाल देंगे ये इसमें। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर। ये मैं कौन सा फ्रेंच फ्राइज बना रहे तुम? मस्त वाला एकदम, खा के देखना ना फिर बोलना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डब्बे को करेंगे बंद और इसको हल्के हाथ से अल्टी पल्टी करेंगे। इसको ज्यादा जोर जोर से नहीं मारना है, नहीं तो टूट जाएगा, टूट जाएगी। जादू दिखा रहे, ठीक है। हाँ, बस ये इस तरीके से करेंगे ना, ये चारों तरफ आराम से कॉर्नफ्लावर लग जाएगा। अगर आपको डब्बे में नहीं करना है तो 2-3 किलो वाली जो थैली आती है ना आप, वो थैली भी आराम से ले सकते हैं। अब क्या करने का है, इस तरीके से इसमें कॉर्नफ्लावर लग गया है। अभी ये टाइम पे आप चाहे तो इसको एक 15-20 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर भी करके रख सकते हैं। हाँ। जब आपकी मर्जी है, निकाल के फ्राई करिए और खाइए, ठीक है ना। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए फ्रिज में। तो चलो, हमने रख दिए हैं फ्रीजर में आलूओं को अच्छे से ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे हमने सॉस के लिए एक बर्तन चढ़ा दिए हैं। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे डालेंगे बटर। तो यहाँ पे मैंने बटर ले ली हूँ 2 चम्मच बड़े बड़े, ठीक है। इसको थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से बटर मेल्ट हो गया है। अब क्या करेंगे हम, इसमें लहसुन डालेंगे 1 चम्मच, जो मैंने के बारीक कतर के रख ली हूँ, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा पका लेंगे लहसुन को। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच मैदे का आटा। तो यहाँ पर मैंने चम्मच देखो कौन सा ली हूँ, एकदम छोटा सा टीस्पून वाला, ठीक है। ये हम डालेंगे। अब इसको अच्छे से भून लेंगे मस्के में, ठीक है ना। मैदा जितना ज़्यादा डालेंगे वो आटे के जैसा ठीक हो जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा डालना, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, इसमें ऐड करने वाले हैं दूध। तो यहाँ पर मैंने ली हूँ 1/2 बाटी भर के दूध। इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे। तो यहाँ पे दूध में अच्छे से बॉईल आ गया है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, यहाँ पे डालेंगे हम थोड़ी सी काली मिरी। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारे चीज़। कौन से चीज़? तो यहाँ पे हमने लिए है चेडर चीज़। यहाँ पे मैं 5 इस तरीके स्लाइस अंदर डाल दूंगी, ठीक है ना। 5 चीज़ स्लाइस? हाँ, 5 चीज़ स्लाइस इसमें हम डाल देंगे, ठीक है। ओहो हो, हमें निकाले ही नहीं, उल्टा निकाल रहे थे। ओहो, इसको रखते हैं हम साइड में, ठीक है। ये बहुत मगजमारी रहती है मालूम ये? हाँ, रहती तो है, लेकिन जब खाना है ना तो सारी मगजमारी करनी पड़ती है क्या नहीं। तो यहाँ पे हम ये डालेंगे और इसको हिलाएंगे। तो इसमें मैंने 3 स्लाइस डाली हूँ। अभी मैं डाल रही हूँ इधर 4th। अब डालेंगे हम इसमें 5वां। यहाँ पे ये 5 मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हमारा जो ये पैकेट है ना, ये 200 ग्राम का है और हमको इसमें डालना है सिर्फ 100 ग्राम, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से गाढ़ा होए तक पकाएंगे। यानी कि एक पैकेट में आए थे 10 पीस आए थे, जिसमें से हमको यूज करना है 5 पीस, ठीक है ना।
और इसमें मैं नमक वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करूंगी, क्योंकि चीज में ही उतना नमक होता है जितना हमको सॉस में जरूरत है, और बटर में भी थोड़ा सा हल्का सा नमक होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक पका ली हूँ। यहाँ पे अच्छे से ये ठीक हो गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। तो गैस करेंगे हम बंद और इसको निकाल लेंगे हम एक कटोरी में। तो यहाँ पे मैंने निकाल ली हूँ मेरा गार्लिक चीज सॉस 1 नंबर। तो सॉस तैयार हो गया है, और हमने जो ये आलू रखे थे डिफ्रीजर में, इसको भी आधे घंटे से ज्यादा हो गया है, ठीक है। ये आप इस तरीके से स्टोर भी करके रख सकते हैं कई दिन तक। आप निकाल के एक 30-40 मिनट के लिए थोड़ा सा उसको कूल होने देना और फ्राई करके खा लेना। इसको स्टोर करने का ये तरीका बहुत बेस्ट है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने हमारा तेल भी चढ़ा दिया है गरम करने के लिए। तो तेल अच्छे से गरम हो गया है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे डालेंगे हमारे ये आगरे के पेठे। आगरे के पेठे नहीं रे, क्या बोल रहा है, इसको एक बार थोड़ा सा हिला लेंगे, ठीक है ना। मैं आगरे का पेठा ही दिख रहा है वो, सच्ची में। तो ये ऐसी डाल देना है, तो कड़क कड़क हो गया ना एकदम। अभी हम इसको फ्राई कर लेंगे 2 मिनट तक, ठीक है। इसको ज्यादा फ्राई नहीं करना है, अभी हमको 2 मिनट या 3 मिनट फ्राई करके इसको निकाल लेना है। और यहाँ पे अभी इसको रख देंगे 2 मिनट फिर से ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर 2 मिनट तक अच्छे से मैंने फ्राई कर ली हूँ, अब क्या करेंगे हम इसको निकाल लेंगे एक बर्तन में फिर से। हाँ फिर से, अभी भी कच्चा ना है। हाँ अभी है, थोड़ा कच्चा है। अब इसका तेल भी हाथ से सुखा लेंगे? नहीं नहीं, अभी इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे हम ठंडा होने, एक साइड आगे कर लेंगे ताकि हमको पता चले कि हमने पहले कौन सा बैच निकाले हैं, है ना। तो मतलब वापस से सभी ऐसी फ्राई कर लेंगे 2 मिनट के लिए। ये भी हम अभी सारे डाल देंगे इसमें 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मैंने सारे फ्रेंच फ्राइज आधे 2 मिनट वाले फ्राई कर ली हूँ। अब इसको यहाँ पे 2 मिनट के लिए कूल होने देते हैं, और यहाँ पे हमारे ये आंच को फास्ट कर दिए हमने, अब तेल को एकदम उबलने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तेल अच्छे से बॉईल होने लग गया है, अब क्या करेंगे हम, जो हमने पहले फ्राई करके निकाले थे ये हिस्सा, ये अच्छे से कूल हो गया है। तो अब क्या करेंगे हम, ये हिस्से को पहले डाल देंगे एकदम गर्म तेल में। हाँ, और इसको अभी 3 मिनट तक मैं अच्छे से फ्राई कर लूंगी। इसको अभी हम 3 मिनट तक अच्छे से क्रंची क्रंची कर लेंगे, ठीक है, एकदम गरम तेल में, उबलते हुए तेल में। यहाँ पे गैस स्लो बिल्कुल भी नहीं करना है, हमको फास्ट गैस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर फास्ट गैस पे मैंने 3 मिनट तक इसको फ्राई कर ली हूँ, है ना। अब हम इसको निकाल लेंगे। आराम से इसका तेल निकाल के यहाँ पे डालेंगे इसको। ओए हो, है क्या नहीं एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी। हाँ, वो अच्छे से अभी फ्राई हो गया है, अब आती है इसकी बारी। अब हम इसको भी डाल देंगे एकदम गरम गरम तेल में। हाँ, एकदम बॉयल तेल में, और इसको भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 मिनट हो गए हैं, मैंने सारे फ्रेंच फ्राइज तैयार कर ली हूँ, अब हम निकाल लेंगे इधर बर्तन में। ओहो, एक नंबर। और यहाँ पे हमारे फ्रेंच फ्राइज रेडी हो गए हैं, और यहाँ पे हमारा गार्लिक चीज सॉस भी तैयार हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों, तैयार हो गया अपना फ्रेंच फ्राइज और गार्लिक चीज सॉस। तो इतना बड़ा नाम रहता ना, ध्यान में नहीं रहता मेरे। तो ये देखो, और सही में अम्मी ने क्या मस्त फ्राइज बनाया है, क्रिस्पी है ना अम्मी। हाँ, मस्त, एक नंबर, देख देख, खा के भी देख, मस्त, सही में एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी, गर्मा गर्म है। लेकिन हाय यार, सॉस देखो, आज केचप, सॉरी, क्योंकि सही में मैं बता दूं, मैं भी जब केएफसी में काम करता था ना, तो ये जो अम्मी ने नहीं बताया स्टोर करने का तरीका, वो आटा लगा के हमारे केएफसी में भी वैसी ही थैली में पैक होके हमको आता था। हम लोग क्या करते थे, ऐसा फ्राई उठाते थे और ऐसा डिप में फ्राई करने डाल देते थे। बट आज मालूम पड़ा कि वो तरीका कैसा था। हाँ। और वो इतना तेल गरम रहता था ना कि ये अपने घर में शायद ही कभी इतना तेल गरम हुआ, मशीन रहती थी, टेम्परेचर लगा देते थे। हाँ। और मशीन से और वो एक ही टाइम फ्राई करना पड़ता था, क्योंकि उतना तेल हीट रहता था गरम।
तीन मिनट रखे तो मस्त फ्राइज एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बन जाते थे। हमने डबल तरीका इसीलिए बनाया ताकि अपना तेल थोड़ा ज्यादा गर्म हो जाए ना। हाँ तो चलो अभी खाते हैं क्रिस्पी वाले फ्राइज और बात करें अपने सॉस की। हाँ अभी आप KFC में खा लो या फिर डोमिनोज पिज्जा मतलब कहीं भी खा लो रेस्टोरेंट में तो वहाँ पे अलग अलग तरीके के सॉस मिलते हैं और ये जो फ्रेंच फ्राइज है ना ये अलग अलग तरीके के सॉस के साथ खाने मजा आती है। लो मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ। हाँ एक नंबर है ये, आप लोग जरूर बनाना, ये सॉस मुंह में जाते बराबर एकदम फ्लेवर दे रहा है। और ये भी सही में अम्मी ने एकदम क्रिस्पी बनाया। ये बोलते ना ये टिप और ट्रिक्स हर किसी को नहीं पता होती है। अब मैं सही में सॉस खाऊंगा, मैं खाऊंगा। हमारे घर में ना ये फ्रेंच फ्राइज के ना बहुत शौकीन है सब। बहुत मस्त बना। हमारी जीनी ना एक दो दिन में ना अलबेक से ना बर्गर और ये मंगाते रहती। फ्रेंच फ्राइज को इतना पसंद है ना, बर्गर के अंदर भी फ्रेंच फ्राइज डाल के खाती हूँ ऐसा। अरे उसको तो छोड़, हमारे छोटू राम को भी पसंद है, बच्चे लोगों तो सेमी फेवरेट होता ही है, दोनों को पसंद है। मस्त एक नंबर, केचप बहुत अच्छा लगा ये सॉस। फ्रेंच फ्राइज भी अच्छा है और फ्रेंच फ्राइज जब आता है हम ऑर्डर करते हैं तो उसको फटाफट ही खाना चाहिए क्योंकि वो आधा खाने के बाद ना आधा ठंडे हो जाते हैं तो मजा नहीं आती खाने में। मैं तो भुक्कड़ लुक के साथ खाता हूँ, घर हो या बाहर हो खाने में शर्मा नहीं करी। देखो मस्त लग रहा है, आप लोग ये जरूर ट्राई करना। देखो ये तो हर घर में टाइम पास सबको पसंद है। आलू एक ऐसी चीज है ना, एक ऐसी सब्जी है कि मैं तो नहीं मानती कि कोई नहीं लाता होगा या किसी के घर में नहीं आती होगी या कोई नहीं खाता होगा। बहुत कम लोग हैं जो आलू नहीं खाते, ज्यादातर सबको पसंद आते हैं आलू के फ्रेंच फ्राइज। हमने इससे पहले भी डाले थे ना, वो वेजेस डाले थे पोटैटो वेजेस। हाँ वो भी बहुत मजे के बने थे, पोटैटो वेजेस स्वीट चिली सॉस के साथ, वो भी बहुत मस्त थे। हाँ वो भी मैंने रेड चिली सॉस के साथ बनाई थी, मस्त एकदम। देखिए फ्रेंच फ्राइज की बात ही अलग है। हाँ ये हमने सॉस के साथ बनाए हैं और ये सॉस ऐसा सॉस है ना, ये भी सॉस आप ना खाली ब्रेड में लगा के भी खा सकते हो या फिर घर में अगर आपको बर्गर बनाना है तो आप ये सॉस लगा लो ब्रेड पे, पैटी रखो, खा लो, हाथ नहीं रुकेगा। एक बार आप खाना चालू करेंगे जैसे कि मेरा ऐसा है, गार्लिक और चिली फ्लेक्स डाली हूँ तीखेपन के लिए हल्का सा, और काली मिरी, मिर्ची की बुकी वगैरह कुछ यूज नहीं करी हूँ। जो भी है हमने चिली फ्लेक्स और काली मिरी लहसुन तीनों चीज हल्का हल्का, इसमें थोड़ा सा ऐसा नमक छिड़क के खाते थे ना तो ये और मस्त लगते थे। इसमें चाट मसाला भी आप छिड़क सकते थे, पेरी पेरी चीज का पाउडर आता है ना वो भी इसके ऊपर ऐसा छिड़क के खा सकते। बाहर तो जितनी भी तो आपकी मर्जी, देखो इंसान अपनी अपनी पसंद के हिसाब से जो चाहे वो खा सकते। बेटा बस करो बात कर रहे अपन। हाँ मैं बात कर रहा हूँ, बात भी करो, मुझे पता है मेरा यहाँ शूट खत्म हुआ, ये प्लेट छीन ली जाएगी मुझसे, डाइट वगैरह सब खत्म हो जाती है इसकी। यार ऊपर आएगा तो और नीचे बोलेंगे ना ज्यादा आलू मत डालो, बोले आलू मत डालो, देखो आलू मत डालो, अभी आलू बस करता हूँ मैं, ये आलू नहीं वो भी फ्राई वाले आलू है वो देखो बहुत मस्त बने हैं सही में, बहुत अच्छे बने ये तो मैं भी बोलूंगी। तो ये खाने के लिए अगर एक बार चालू करेंगे आप तो हाथ बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, आपकी चाय ठंडी हो जाएगी ये खाते खाते, आप यही पूरे खा जाओगे। ये फ्रेंच फ्राइज का तरीका भी अलग था बनाने का। हाँ। और सॉस ये मैंने रेस्टोरेंट में नहीं खाया था। हाँ, हम लोग खाते थे वहाँ व्हाइट मेयो, थ्री पेपर मेयो या फिर थाउजेंड आइलैंड करके एक स्पाइसी सॉस आता था वो मैंने खाया। हाँ। ये सॉस नहीं खाया, चिली गार्लिक बहुत ही अलग तरीके। आप इसको ब्रेड में लगा के इसी तरीके से नाश्ता बच्चे लोगों को टिफिन में लगा के दे सकते हैं, बीच में बिछा लीजिए आप, इसमें चीज वगैरह आपको कुछ भी बिछाने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर खुद चीज है। अगर बच्चों को देना है तो चिली फ्लेक्स हटा दीजिए, थोड़ी सी लहसुन हटा दीजिए, हल्का सा काली मिरी डाल के आप ये सॉस बच्चों लोग के लिए बना लीजिए और आराम से पाव में या ब्रेड में भर के आप टिफिन में डाल दीजिए, आपको दूसरा कुछ डालने की जरूरत ही नहीं है। या फिर ये फ्राइज तो मैं बोली ना स्टोर कर देने का फ्रिज में डब्बे में, सुबह सुबह उठ के 3 मिनट फ्राई करेंगे तो आपके बच्चे ये टिफिन में भी आराम से ले जा सकते हैं। हाँ ठीक है, तो भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, जो हमारे चैनल पे नया है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो कब करोगे सब्सक्राइब, जल्दी जल्दी। फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी भी अब आ गई है तो भाई सब्सक्राइब भी कर दो, जब पूरा वीडियो देख लिया तो सब्सक्राइब करने में क्या है, सब्सक्राइब भी कर दो ना अब अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो सॉस है ना भाई ये सही में नया है तो भाई प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि लोगों तक पहुंच सके ये सॉस की रेसिपी, है ना। बहुत अच्छा सॉस है ये और ये रख भी सकते हैं आप, स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में, ये खराब नहीं होता है। ठीक है, तो ये मैं बोल रही थी ये देखो मैं बात करने में इसने बीच में बोला तो मैं भूल गई, सही में भूल गई। हाँ मैं बता रही थी आपको स्टोर करने का तरीका जो मैं बताई हूँ उस तरीके से, आधा कच्चा पक्का बॉईल करके एक बार 2 मिनट में फ्राई करके आप उसमें जब कॉर्नफ्लावर लगाते हैं
तभी रख के अगर स्टोर करना है तभी भी कर सकते हैं, या फिर आप 2 मिनट जब फ्राई करते हैं ना कॉर्नफ्लावर लगाने के बाद तभी भी आप स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। आप सुबह सुबह उठ के बस एक ही तेल में 3 मिनट फ्राई करके बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है तो भाई चलते हैं। अब जाने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, इंस्टाग्राम की आईडी स्ट्रीट फूड जायका, मैंने मेरे कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दिया है, तो उसको ओपन करो और फॉलो करो। चलते हैं। हाँ चलते हैं। और मुझे कमेंट्स में आप लोगों की रिक्वेस्ट मिल रही है, मैं पढ़ रही हूँ। सजेशन और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा सजेस्ट करना, करते रहो। ठीक है, मैं जरूर पूरी कोशिश करूंगी बनाने की। ठीक है, चलिए चलते हैं, मिलते हैं के साथ। अब तक के अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अल्लाह हाफिज, बाय। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना।